VLCD क्या है? क्या आपने इस डाइट के बारे में सुना है? It stands for very low calorie diet, यानी कि about 800 to 1000 calories a day. Hi everyone, my name is Dr. Mekhla Chandra. I'm a senior consultant in medicine with an expertise in obesity medicine. आइए इस डाइट के बारे में थोड़ा और जानें. So ये डाइट किसके लिए है? ये डाइट ओबीज या ओवरवेट पीपल के लिए है जिनको क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया. उनको वेट लॉस करना है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी कॉन्सिक्वेंसेस जल्दी. रिमेम्बर, ये डाइट सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल सुपरविजन के अंडर होती है. इस डाइट में जनरली 4 फेजेस होते हैं: स्क्रीनिंग, एक्टिव वेट लॉस फेज, ट्रांजिशन एंड मेंटेनेंस फेज. स्क्रीनिंग फेज में आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं और बाकी मेडिकल टीम इंक्लूडिंग अ डाइटिशियन एंड अ बिहेवियरिस्ट से मिलते हैं. वहां आपका डिटेल्ड फिजिकल एग्जाम, डिटेल्ड हिस्ट्री एंड सम लैब टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, यूरिक एसिड, किडनी फंक्शन एंड लिवर फंक्शन टेस्ट्स. सेकेंड फेज है एक्टिव फेज. एक्टिव फेज में आपकी कैलोरीज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं 800 टू 1000 कैलोरीज पर डे, जिसमें आप 4 to 5 न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स लेते हैं या मील रिप्लेसमेंट्स. नाउ दिस कैन बी इंडिविजुअलाइज्ड, यानी कि आप एक रेगुलर मील ले सकते हैं अलोंग विद दिस मील रिप्लेसमेंट्स. ये सारे मील्स कैलोरी काउंटेड होते हैं एंड दे मीट द रिक्वायरमेंट फॉर योर रेकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिंस, मिनरल्स एंड अदर सप्लीमेंट्स. थर्ड फेज है हमारा ट्रांजिशन फेज. इसमें हम री इंट्रोड्यूस करते हैं आपका सॉलिड फूड, बट वी मेक श्योर यू नो हाउ टू काउंट योर कैलोरीज, व्हाट पर्टिकुलर वेजिटेबल्स टू टेक एंड कौन से फ्रूट्स लेने हैं. फोर्थ फेज है आपका मेंटेनेंस फेज. ये यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स एंड हेल्दी लिविंग. प्लीज नो दैट ड्यूरिंग दिस डाइट आप एक्सरसाइज करते हैं, बट अंडर सुपरविजन ऑफ योर फिजिशियन एंड योर टीम. अब हम डिस्कस करेंगे इस डाइट के बेनिफिट्स. सो नंबर वन, ये जो मील रिप्लेसमेंट्स होते हैं, दे एक्चुअली गिव यू मोर विटामिंस एंड मिनरल्स देन आप शायद रेगुलर डाइट में ना ढूंढ पाओ. सेकंड, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीलर्न योर ईटिंग बिहेवियर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, क्योंकि इसमें फूड चॉइसेस लिमिटेड होती हैं, इट्स अ फर्मली आउटलाइन प्रोग्राम, सो कंप्लायंस इंक्रीज होती है. फोर्थ, बिकॉज यू हैव सो मच सपोर्ट फ्रॉम योर टीम, आपकी जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ईटिंग बिहेवियर्स हैं, ये डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं एंड इनको रीलर्न किया जाता है. एंड फिफ्थ, दिस इज अ ग्रेट डाइट टू लूज सिग्निफिकेंट वेट लॉस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. स्पेशली कुछ लोग जिनको नी सर्जरी करवानी हो, पेरियाटिक सर्जरी करवानी हो, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. एंड नाउ विल डिस्कस रिस्क एंड प्रिकॉशंस. ये डाइट प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए बिल्कुल भी नहीं है. इस डाइट के रिस्क लाइक एनी अदर डाइट विच कॉजेज सिग्निफिकेंट वेट लॉस, आपको रिस्क हो सकती है ऑफ नॉजिया, वॉमिटिंग, फिटीग, पर ये आराम से आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं एंड एड्रेस कर सकते हैं. सेकेंड, आपके चांसेस हो सकते हैं गॉल स्टोन्स बढ़ने के लिए, बट अगेन ये क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं और इसलिए आपके लैब टेस्ट करे जाते हैं. ड्यूरिंग दिस डाइट आपका जो डॉक्टर है वो आपके रेगुलर मेडिकेशंस ऑफ बीपी, डायबिटीज, उसको धीरे धीरे पील ऑफ करना शुरू करेंगे जैसे जैसे आपका वेट लॉस होता है. आई होप आपके जो भी डाउट्स हों इस डाइट के रिगार्डिंग वो क्लियर हुए हों. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हमारी टाटा 1MG की टीम इसको रिस्पॉन्ड करेगी. ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें.